तो आज हम जैसा कि पंचम भाव के ऊपर जो है सबसे पहले हम समझेंगे, तो बहुत ही पंचम भाव के ऊपर बहुत ही ये इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि जो पंचम भाव है, पंचम भाव काल पुरुष कुंडली में, पंचम भाव में सिंह राशि आती है जिसका स्वामी सूर्य है। पंचम भाव जो होता है संतान का, प्रेम का, मनोरंजन का, कला का, ज्ञान का, पंचम भाव जो है नाटक मंचन का, जुए का, पूर्व पुण्य का, और इसे एक तरह से सुत स्थान यानी कि जो है पुत्र संता स्थान भी कहा जाता है। पंचम भाव गर्भ होता है, एक आत्मा से दूसरी आत्मा का निर्माण अर्थात गर्भ, संतान भाव। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि पंचम भाव में जो है ज्ञानेश्वर जी के द्वारा ये कहा गया है कि अंगूठे जितनी आत्म ज्योति जो अदृश्य रूप में आत्मा का स्थान होता है, तो एक तरह से उसको भी माना गया है। इसलिए एक आत्मा से दूसरी आत्मा का निर्माण यानी पंचम भाव, गर्भ का भाव। अब पंचम भाव जो है यदि हम देखें, ये कई प्रकार से अलग अलग भावों से इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव जैसे कि छोटे भाई बहनों का है, तो छोटे भाई बहनों की ये यात्रा है क्योंकि तीसरे से तीसरा भाव। माता का धन भाव है क्योंकि चौथे से दूसरा भाव। इसके अलावा पंचम भाव जो है प्रेम विवाह का है, संतान से संबंधित बातों का है, संगीत, नाटक, कला, मंत्र, तंत्र, खेल, और इसके अलावा शेयर मार्केट से संबंधित है। माता का धन है, संतान का स्वास्थ्य है। तो इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो नवम भाव जैसे पिता का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम से नवम भाव यानी पिता की यात्रा। और इसके अलावा 11वां भाव बड़े भाई बहनों का है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम भाव उनके व्यापार की स्थिति या व्यापार को जो है हम इस भाव से देख सकते हैं। अब यहाँ पर पंचम भाव जो है वो जिस जिस भाव के साथ जुड़ता है, पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है पहले भाव से जुड़ता है। पंचम भाव क्या होता है? छठे भाव का व्यय भाव। छठा भाव होता है रोग का, पंचम भाव जो होता है रिकवरी का। यानी पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी लग्न के साथ जुड़े तो ऐसे में ये होता है कि यदि जातक बीमार हो तो वो रिकवरी पाता है। इसके अलावा पंचम भाव जो है खेल का भी है तो अच्छा खिलाड़ी, कला का भी है तो एक तरह से अच्छा कलाकार, अच्छी सेहत। पंचम भाव मंत्रोच्चार का भी है तो अच्छा मंत्र ज्ञाता। पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी दूसरे भाव का कार्येशो, तब पंचम भाव से संबंधित जितनी बातें हैं उनके द्वारा धन वगैरह। इसके अलावा पंचम भाव संतान का होता है, दूसरा भाव परिवार का होता है, तो संतान होने पर परिवार में वृद्धि। और पंचम भाव से जुड़ी हुई बातों से, पंचम भाव ज्ञान का है, कला का है, नाटक मंचन का है, शेयर का है, तो इनसे धन की प्राप्ति वगैरह या कमाई वगैरह, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। पंचम भाव का उपनक्षत्र यदि तीसरे भाव का कार्येशो हो, तीसरा भाव क्या होता है? छोटे भाई बहनों का होता है। तीसरा भाव स्पोर्ट्स क्लब का होता है। इसके अलावा जिम खाना जो एक्सरसाइज हेल्थ क्लब हो गए, नाटक कंपनियां, तो इवन जो एजेंसीज होती हैं उसको भी हम इसमें समझ सकते हैं। तो उनसे जुड़े हुए जो हैं कार्य हो सकते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ लगाव क्योंकि छोटे भाई बहनों का भाव, और पंचम भाव जो है वो प्रेम का। पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी चौथे भाव का कार्येशो, तो यदि रिकवरी किसी इलाज की चल रही हो तो उसमें रुकावट, दवाई ना लगना। क्यों? क्योंकि पंचम का वे भाव चौथा भाव जो है वो इलाज में रुकावट। इसके अलावा संतान का भाव है पंचम भाव, चौथा भाव व्यय भाव है, तो संतान में बाधा, संतान बाधा।
इसके अलावा यदि पंचम भाव ध्यान धारणा मंत्र उच्चार का है तो चौथा भाव उसका वह भाव है, यानी कि मानसिक अशांति भी इसमें कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो भी वो उसमें पूजा पाठ वगैरह या मंत्र उच्चार वगैरह उसमें एक तरह से बाधा, ये हम समझ सकते हैं। पंचम भाव का उपनक्षत्र यदि पंचम भाव का ही कार्येश हो तो पंचम भाव कला का, नाटक मंचन का, इन प्रकार की बातों का, तो एक तरह से कई प्रकार से इसमें जो है जातक ज्ञाता हो सकता है, समझदार हो सकता है, प्रेम से भरपूर हो सकता है, अच्छा खिलाड़ी, बच्चों के साथ लगाव, ऐसी स्थिति हो सकती है। पंचम भाव का उपनक्षत्र यदि छठे भाव का कार्येश हो तो पंचम से दूसरा भाव, पंचम भाव शेयर से जुड़ा हुआ है, जुआ सट्टा शेयर, तो छठा भाव क्या है, प्राप्ति का है, तो इस तरह से प्राप्ति उसमें समझी जा सकती है, बैटिंग वगैरह जो करते हैं उसमें एक तरह से प्राप्ति समझी जा सकती है, मंत्र सिद्धि समझी जा सकती है, तो उसके द्वारा जो है प्राप्ति वगैरह ये समझ सकते हैं। पंचम भाव का उपनक्षत्र यदि सातवें भाव का कार्येश हो, सातवां भाव जीवन साथी का, पार्टनर का, तो उनके साथ लगाव, जीवन साथी या पार्टनर को लाभ, क्योंकि सप्तम से ग्यारहवां भाव जो है ओपोनेंट का यानी जीवन साथी या पार्टनर उनका लाभ हो गया, तो उनके साथ लगाव, जीवन साथी को लाभ, अच्छा व्यवहार, इसके अलावा प्रेम विवाह या प्रेम, ये हम इसमें समझ सकते हैं। पंचम भाव का उपनक्षत्र यदि आठवें भाव का कार्येश हो, आठवां भाव होता है रुकावट का, डिजेक्शंस का, ऑब्स्ट्रक्शन का, तो प्रेम में रुकावट, संतान में रुकावट, ऐसी जो भी बातें हैं उनमें रुकावट, या फिर आठवां भाव छुपा हुआ प्रेम, 5, 8, 12, तो इसमें 5, 8, 12 ये हम समझते हैं कि जिन लड़कियों के साथ कुछ बुरा सलूक हो जाता है, या कई लोग जो हैं उनको जैसे हम कहते हैं कि अफेयर्स में एक तरह से फंसा कर एक तरह से उनके साथ अच्छा नहीं होता, तो वो 5, 8, 12 की स्थिति होती है। तो जब भी किसी ऐसे यंगस्टर के 5, 8, 12 एक्टिव हो तो वो फिर हमें एक तरह से उसमें जो है थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उनको आगाह कर देना चाहिए, चाहे माता पिता हैं चाहे वो स्वयं हैं, तो क्योंकि डायरेक्टली नहीं तो इस तरह से कि 5, 8, 12 जो हैं चार्ट में एक्टिव हैं, तो आप अपने बच्चों को या बिटिया को सुनसान इलाकों से ना भेजें, सुनसान जगह से ना भेजें, अज्ञात लोगों के साथ कोई शेयर जो जैसे होता है ना कि जैसे कैब या कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हों या कुछ, तो ये थोड़ा सा आगाह करने की बात होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 5, 8, 12 एक्टिव है जी आपकी बिटिया के साथ ऐसा कुछ गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं कह सकते। ये हम कह सकते हैं कि 5, 8, 12 एक्टिव है तो बिटिया को कहीं भी सुनसान इलाकों या कुछ ऐसे जगहों से बेचने से बचना चाहिए, चाहे लंबा सफ़र करना पड़े, तो क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि अहमदाबाद हैदराबाद में जो वेटरनरी डॉक्टर के साथ जो कृत्य हुआ था वो उसकी एक्टिवा एक सुनसान इलाकों में जैसे खराब हो गई थी, तो जिसका कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया था, ये शायद केस आप में से बहुत से लोग जानते हों, जो हैदराबाद में फिर बाद में उन लड़कों का एनकाउंटर हुआ था। तो 5, 8, 12 एक तरह से एक्टिव होता है, तो ऐसे ये ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, कहने का मतलब ये है। पांचवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि आठवें का कार्येश है तो पांचवा भाव खेलों का है, खेलों में चोट लगना, कोई 5, 8, 12 दुर्घटना वगैरह भी दे देता है, निराशा, चिंता, दिमागी परेशानी, ये भी समझ सकते हैं। पांचवें भाव का उपनक्षत्र यदि नवम भाव का कार्येश हो, नवम भाव क्या है, धर्म, भाग्य, यात्रा, पिता, पिता को लाभ, क्योंकि पंचम भाव यहाँ पर यदि हम देखें पिता को यात्रा और धर्म भाग्य जो है उसके द्वारा उसमें एक तरह से, क्योंकि पंचम भाव जो है मंत्रोच्चार का है, साधना का, तो ये एक तरह से धार्मिक अनुष्ठान समझे जा सकते हैं। इसके अलावा
ज्ञान ज्ञानवर्धक भी, क्योंकि नवम भाव उच्च शिक्षा का है तो पंचम भाव ज्ञान का है, अच्छा आचरण, क्योंकि पंचम नवम ये पॉजिटिव हाउस में है। पंचम भाव का उपनक्षत्र यदि दशम भाव का कार्येश हो, दशम भाव क्या है, कर्म स्थान है, प्रोफेशन है, दशम भाव जो है मान सम्मान का है, तो दशम भाव और पंचम भाव कला में, नाटक मंचन आदि में, ज्ञान में मान सम्मान मिलना, खेलों में मान सम्मान मिलना और अच्छा रुतबा होना, शोहरत मिलनी, कामयाबी मिलनी, तो हम देखते ही हैं जितने खिलाड़ी हैं अच्छे या जितने कलाकार हैं अच्छे, उनको कितना मान सम्मान जो है उनका इस प्रकार से होता है, नाम होता है, शोहरत होती है। पंचम भाव का उपनक्षत्र यदि 11वें भाव का कार्येश हो, 11वां भाव क्या है, लाभ का, तो 5 11। अब यहाँ पर 5 11 संतान में लाभ, 5 11 कला ज्ञान खेलों आदि के द्वारा लाभ, 2 5 11 संतान लाभ परिवार वृद्धि शेयरों में लाभ, इस प्रकार से समझ सकते हैं। पंचम भाव का उपनक्षत्र यदि 12वें भाव का कार्येश हो, 12वां भाव क्या है, 12वां भाव खर्च का है, संतान के ऊपर खर्च नुकसान का है, तो संतान का नुकसान, या 5 12 12वां भाव अस्पताल का है, तो संतान का किसी न किसी प्रकार से डॉक्टर या अस्पताल या उसके ऊपर किसी प्रकार से खर्च को समझ सकते हैं। तो जो भाव है जिस भाव के साथ जुड़ रहा है उस भाव की स्थिति को समझते हुए ही हमें जो है हम कई बातों को उसमें समझ सकते हैं। इसके अलावा 5 12 जैसे प्रेम में असफलता, पैसा फंसना, पैसा इसलिए फंसना क्योंकि ओपोनेंट का पंचम भाव 11वां भाव हो गया और 12वां भाव जो है ओपोनेंट का छठा भाव हो गया, 1 2 3 4 5 6 छठा भाव हो गया, तो ओपोनेंट का लाभ और ओपोनेंट की प्राप्ति तो स्वयं के लिए, स्वयं का पैसा ओपोनेंट के पास, तो पैसा फंसना, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। प्रेम में असफलता, प्रेम में धोखा, इसके अलावा 5 12 छुपे हुए प्रेम, 5 8 12 जो है, तो ये कई प्रकार के इसकी इसमें जो है स्थिति हम समझ सकते हैं। अब पंचम भाव जो है संतान के ऊपर ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, पंचम भाव संतान के लिए सबसे अधिक प्रश्न आते हैं, ज्यादातर दंपत्ति जो हैं विवाह के बाद संतान ना हो, माता पिता परेशान हैं, दोनों तरफ के माता पिता परेशान हैं और यहाँ तक कि दंपत्ति भी कि संतान होनी चाहिए। तो ऐसे में यदि महिला की कुंडली है, फीमेल की कुंडली है, तो पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है 2 5 11 भावों का कार्येश हो तो संतान का प्रॉमिस होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि संतान नहीं हो रही होती, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी मेष मिथुन सिंह कन्या, मेष मिथुन सिंह कन्या, ये एक तरह से बांझ राशियां भी हैं, इनको बैरन साइन भी बोलती हैं। तो पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बांझ राशियों में स्थित हो तो संतान होने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी किसी भी तरह से मंगल केतु के साथ जुड़ा हो, ये आप ध्यान रखें, मंगल केतु के साथ जुड़ा हो, मिसकैरेज होने की बहुत संभावना होती है मंगल केतु या राहु, तो मंगल केतु के साथ अधिकतर देखा गया है कि मिस कैरेज की संभावना होती है। पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि मंगल के नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है, या मंगल है या केतु है, या इनके साथ वो युति दृष्टि आदि के द्वारा संबंध बना रहा है, तो फिर आपको निर्देश देने की आवश्यकता होगी कि संतान का या गर्भ का खास तौर पर जो है ध्यान रखा जाए, टाइम टू टाइम जो है गायनी डॉक्टर से अच्छी सलाह ली जाए, तो ये हमें देखने की आवश्यकता इसमें जो है, समझने की आवश्यकता इसमें जो है होगी। गर्भ काल के दौरान यदि पृथक स्वभाव के ग्रह, यानी जैसे हम कहते हैं कि शनि राहु सूर्य, ये पृथकतावादी ग्रह हैं, इनकी दशा चल रही हो या पंचम भाव के उपनक्षत्र या इनके साथ संबंध बन रहा हो, और साथ ही मान लो 1 4 पहला, चौथा 1 4 6 8 10 12, 1 4 6 8
आठ दस बारह, ये भाव यदि किसी प्रकार से अत्यधिक दशा में दिख रहे हों तब भी साफ तौर पर निर्देश देना चाहिए कि अच्छे से ध्यान रखा जाए, टाइम टू टाइम डॉक्टर की हेल्प ली जाए, उनकी सलाह वगैरह लेते रहें, क्योंकि ऐसा होता है कि गर्भपात होने का योग होता है। कई बार क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें गर्भ खराब हो जाता है, या कोई गिरने से या किसी प्रकार से, ये अक्सर हमने देखा है। इसके अलावा ये हमेशा ध्यान में रखें, किसी बच्चे का जन्म जब हो और चंद्रमा बुध या गुरु की, बुध या केतु के नक्षत्र में हो, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी जो है बुध या केतु हो, तो गंड मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे कहलाते हैं, और इनके लिए जो है शांति पूजा का विधान जो है शास्त्रों के अनुसार जो है शांति पूजा करवाई जाती है। तो ये भी जो है ध्यान रखने की इसमें ज़रूरत है। तो अब ये हमने देखा कि यदि महिला का चार्ट है तो वहाँ पर पंचम भाव पहली संतान है, सप्तम भाव दूसरी संतान है, तीसरी संतान के लिए नवम भाव। लेकिन यदि पुरुष का चार्ट हो, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, प्रश्न कुंडली की नहीं, जन्म कुंडली की, यदि जन्म कुंडली पुरुष की है, मेल की है, तो उसमें पहली संतान 11वें भाव से देखी जाती है, दूसरी संतान जो है पहले भाव से, तीसरी संतान जो है तीसरे भाव से। ये सिर्फ जन्म कुंडली जो पुरुष की हो, ऐसा इसलिए क्योंकि यदि पुरुष का चार्ट है तो सप्तम भाव उसकी पत्नी का, और सप्तम से जो गर्भ का भाव है यानी पत्नी का गर्भ, वो 11वां भाव, इस तरह से इसको समझा जा सकता है। और यदि प्रश्न कुंडली हो तो प्रश्न कुंडली में काल पुरुष कुंडली के अनुसार पंचम भाव पहली संतान, सप्तम भाव दूसरी संतान, नवम भाव तीसरी संतान। तो प्रश्न कुंडली में यदि कोई प्रश्न कुंडली के द्वारा पूछता है तो इस तरह से हम देखते हैं। तो ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा संतान मेल या फीमेल हो, वो मैंने आपको बताया कि पहली संतान के संबंध में पंचम, दूसरी सप्तम, तीसरी नवम, तो संबंधित भाव के उपनक्षत्र के नक्षत्र को देखें, वो सम राशि में है या विषम राशि में। सम राशि में हो तो फीमेल और विषम राशि में हो तो मेल, ये जो है इसमें नियम एक तरह से देखा जाता है। और लेकिन इसके लिए मैंने आपको ये भी आगाह किया है कि इसको हम ज़्यादातर तभी देखते हैं जब 8वां महीना हो या 9वें महीने के करीब हो। उससे पहले यदि आप पहले दूसरे तीसरे हफ्ते में चौथे हफ्ते या किसी तरह बताते हैं, और कोई लड़की सुनते ही, हालांकि लोग जितना मर्जी बोलें कि नहीं जी हम तो कन्याओं का पूजन करते हैं, हम तो बहुत मानते हैं, फिर भी किसी के अंदर हमने नहीं देखा, किसी का मन हमने नहीं देखा, कल को सिर्फ हमारे कहने से कि लड़की होगी और वो मिस कैरेज करवा लें तो अबॉर्ट करवा लें, तो उसका एक तरह से हमारे सिर पर भी आएगा। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर पंचम भाव से संबंधित बहुत से जो कॉम्बिनेशन हैं, जो पीडीएफ में भी दिए गए हैं, जैसे प्यार और देखभाल है तो पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, 2, 9, 11 भावों का कार्येश्वर, दूसरा भाव परिवार का, नवम भाव जो है वो भी शुभ भाव, 11वां भाव लाभ का, तो हम कहते हैं कि प्यार और देखभाल मिलती है, और बच्चा पैदा करने की क्षमता, पंचम भाव का उपनक्षत्र, 2, 5, 11 का कार्येशो। कई बार ये होता है कि ये देखा जाता है कि नपुंसक तो नहीं है, तो पंचम भाव का उपनक्षत्र यदि 1, 4, 10 भावों का कार्येशो, स्ट्रांगली कार्येशो, तो ऐसे में ये होता है कि नपुंसकता, इम्पोटेंसी जिसको हम बोलते हैं, वो वैसी स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में फिर डॉक्टर की सहायता जो है पूरी तरह से लेनी चाहिए। 5, 8, 12 जो हैं, थोड़ा सा ये भी कहते हैं कि करेक्टर को अच्छा नहीं बताते, लेकिन ये भी स्थिति है कि करेक्टर अच्छा होता है लेकिन कई बार अनहोनी हो जाती है किसी प्रकार से, तो इसलिए सिर्फ 5, 8, 12 देखकर किसी के करेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। यही हमें आगाह करना चाहिए कि हमेशा जो है सचेत रहें, बुरे लोगों से बचकर रहें, और
आजकल का जो प्रैक्टिकल युग है, तो उस तरीके से जो स्थिति है उसको समझते हुए समझदारी से रहें बस। पंचम गुरुजी एक क्वेश्चन था, जी, इसमें टोटल संतान कितनी रहेगी ऐसा जान सकते हैं? यानी मैं एक हूँ, मेरी बहन है, दो है, टोटल तीन नहीं है, नहीं तो नहीं अब वो आजकल वो इतना नहीं, क्योंकि आजकल पहली बात तो जो हम दो हमारे दो ये स्थिति बहुत चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा दो की जगह तीन हो जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सी, ये भी आपको बता दूं, आजकल जो बहुत से दंपत्ति ऐसे हैं जो पिल्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो बच्चा नहीं चाहते, इवन देखा है कई, अगर मान लो वो एक दो वीक का जैसे प्रेगनेंस कंसीव भी हो जाता है ना, तो वो मेडिसिन्स वगैरह दिलवा कर वो बोर्ड की, हाँ वाइफ भी जॉब जॉब उनको पहले ज़रूरी लग रही होती है। ये बड़े शहरों में अधिकतर देखा गया है, जितने भी पढ़े लिखे जो हैं वो या फॉरेन में चले जाते हैं, वो जल्दी पहली बात तो बच्चा चाहते ही नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं पहले करियर हम बना लें, पैसा जोड़ लें, तो ये अक्सर देखा गया है। अब वहाँ पर क्या होता है कि कई बहुत जो हैं वो ये जो पिल्स होती हैं इनको लेकर जो है एक तरह से वो ख़त्म कर लेते हैं, तो ऐसे में यही होता है कि जो भ्रूण हत्या भी हो जाती है एक तरह से उसको भी काउंट किया जाता है कि वो एक जीव होने वाला था उसको, तो वो फिर काउंटिंग अब आजकल के दौर में उतनी आती नहीं, तो ये काउंटिंग नहीं इतना चलती। हाँ ये है कि संतान जो है वो होगी उसके संबंध में देखा जा सकता है। हाँ ये है कि अगर मान लो पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी द्विस्वभावी ग्रह या राशि के साथ जुड़ा हो तो एक से अधिक संतानें होती हैं। पहले के समय में लोगों के जैसे छः छः भाई, छः सात भाई बहन होते थे, आज के समय में एक दो, ज़्यादा से ज़्यादा तीन, आप भी देख लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तीन लोग, जो आज का दौर चल रहा है, जो कमाई के साधन है, फिर भी ये है बिहार उत्तर प्रदेश वहाँ पर आपको फिर भी कई मिल जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो जितने हाथ उतने कमाने वाले, ऐसी स्थिति मानते हैं, जबकि शहरों में स्थिति और है, पढ़े लिखे जितने हैं वो कहते हैं कि एक या दो बच्चे इससे ज़्यादा ना हो। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो ऐसी ही स्थिति है हर जगह की, क्योंकि हम इसके अलावा आपको और भी बता दूं, बड़े शहरों में प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, कॉलेज गोइंग जो हैं तो शादी से पहले कई प्रकार की क्रियाएं या कई प्रकार से जो हैं फिर ये पिल्स वगैरह या मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर जो है अबॉर्ट वगैरह, वो भी बड़े शहरों या उनमें कई जगह ऐसा देखा गया है, और फिर विवाह के, चलो चाहे बाद में विवाह हो लेकिन ऐसी चीज़ों का जिक्र नहीं होता, कोई बताना नहीं चाहता या इसमें नहीं होता कुछ भी, तो ऐसी स्थिति में भी नहीं पता चलता कि पहले क्या स्थिति रही। तो और ऐसी चीज़ें जितनी यदि कहें कि वो छुपी रहें तो बेहतर ही है, वो उजागर होनी भी नहीं चाहिए, ना करनी चाहिए। तो प्रैक्टिकली इन बातों का यदि मैं बोल रहा हूँ तो आप सबको लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे टोक भी सकते हैं अगर लग रहा है आपको मैं गलत बोल रहा हूँ। राइट है गुरुजी। जी, इसके अलावा पंचम भाव के उपनक्षत्र स्वामी के जो और को रूलिंग बनते हैं वो, जैसे प्रेम विवाह है तो पंचम भाव का उपनक्षत्र सातवें भाव का कार्येशो, 7-2-11 का तो प्रेम विवाह। दूसरी जाति में जैसे हम कहते हैं विवाह, तो वहाँ पर ये होता है कि फिलहाल प्रेम विवाह में अक्सर होता है कि दूसरी जाति में, तो पंचम भाव का उपनक्षत्र 2-7-11 साथ में राहु केतु जुड़ रहे हो, तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी पांचवें का कार्येशो, तब भी जो है जो है प्रेम विवाह वगैरह हम समझ सकते हैं। इसके अलावा पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है 2, 6, 10, 11 इन भावों का कार्येशो, तो खेलों में सफलता या खेलों के द्वारा, कला के द्वारा जो है प्राप्ति वगैरह हम समझ सकते हैं।
अब कई लोग होते हैं वो बॉम्बे जाते हैं एक्टर वगैरह बनने के लिए, उनको असफलता मिलती है। पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 4, 8, 9, 12 का कार्यशो, तो वो असफल था। चौथा भाव व्यय, आठवां भाव जो है रुकावट का, 12वां भाव जो है नुकसान का, 9वां भाव साथ में जुड़ जाए वो बस इधर उधर भटकाने वाला भगाने वाला काम जो है वो इस तरह से करता है। तो यहां पर पंचम भाव के संबंध में जो जानकारी है इसको आप पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं पूरा। तो पंचम भाव से संबंधित ये जानकारियां आप ध्यान में रखें, और इसके अलावा पंचम भाव से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं हम नियम के अनुसार ही उसमें देखते हैं, तो वो हम उदाहरणों को करेंगे फिर उसके संबंध में आगे हम समझेंगे। क्लियर है सभी को? जी सर, जी जी गुरु जी। जी गुरु जी, ये लड़का होगा कि लड़की होगी? क्योंकि मेरे साले आ गए थे तो 5-10 मिनट में वो ब्रेक में चला गया था, तो वो रिकॉर्डिंग भले स्टॉप रहा हो लेकिन मुझे एक